सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को रियो टीवी के न्यू अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे हर वीडियोस के नीचे बस यही कमेंट किए थे कि भाई रियो टीवी के ऊपर वीडियो बनाओ, क्योंकि रियो टीवी पे अभी हम लोग अगर 10 मिनट के लाइव स्ट्रीमिंग को अगर हम लोग देख भी लेते हैं तब भी हम लोगों को जो है कॉइन नहीं मिल रहा है, और हमारे सामने कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस आ रहा है कि योर रिवॉर्डेड इज अनलॉक्ड। सो गाइस, इसका सोल्यूशन क्या है आज मैं आप लोगों को इस वीडियो पे आगे बताने वाला हूँ। कैसे आप लोगों को इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है, कैसे आप लोगों को स्क्रैच कार्ड मिलेगा, कैसे आप लोग कॉइन अर्न कर सकते हो, आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को आगे जाके डिटेल्स में बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को क्रेजी पॉपस्टार एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। सो गाइस, ये बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। इस ऐप को यूज करके आप लोग छोटे छोटे गेम्स फ्री में खेल के पैसे अर्न कर सकते हो, एंड साथ में आप अपने दोस्तों को रेफर करके भी अर्निंग कर सकते हो। सो गाइस, इसका जो डाउनलोड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड इसका जो इनविटेशन कोड है वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब तक आप लोग इनविटेशन कोड को यूज नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी फीचर अनलॉक नहीं मिलेगा। सो आप लोग इनविटेशन कोड को यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे ही हम लोग इस ऐप को ओपन कर लेते हैं कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस आ जाता है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि आप लोगों को अपने दोस्तों को रेफर कैसे करना है, ठीक है। सिंपली जैसे आप लोग ओपन कर लोगे, हमारे इनविटेशन कोड को यूज कर लोगे, सो सब कुछ अनलॉक होकर कुछ इस टाइप का दिख जाएगा। सिंपली आप लोगों को इस छोटे से ऑप्शन को ऊपर, नोटिफिकेशन को, पॉपअप के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है, कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस आ जाएगा। आपको इधर पे लिंक मिलेगा जो कि आप अपने किसी भी फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर सकते हो, एंड उसके बाद आप लोगों को इधर पे कोड मिलेगा जिस कोड को आप लोग अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर कर सकते हो। सो उसके बाद आप लोग सक्सेसफुली रेफर कर सकते हो। जैसे ही आप लोग 100 रेफर कंप्लीट कर लोगे वैसे ही आप लोगों को $5 पेपाल कैश मिल जाएगा। सो इस $5 पेपाल कैश का मतलब होता है इंडियन रुपीज में होता है करीब 350 से लेके 400 रुपया आप लोग कमा सकते हो 100 रेफर करके, ठीक है। सो गाइस, उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को फ्री में गेम्स खेल के किस तरह से आप लोगों को पैसे अर्न करना है। सो गाइस, इधर भी आप लोग देख सकते हो प्ले का ऑप्शन आ गया है, लेकिन सबसे पहले मैं साउंड को ऑफ कर देता हूँ। सो सबसे पहले हम लोग प्ले के ऊपर ऑन कर देते हैं एंड ये इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, एंड हमारा जो गेम्स है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। एंड आप लोगों को कुछ इस तरह से, ठीक है, आप लोगों को गेम्स को खेलना है, बस इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है, एंड उसके बाद आपका जो गेम्स है कुछ इस तरह से आप लोगों को गेम्स खेलते रहना है। एंड उसके बाद आप लोग जब भी इसको कंप्लीट कर लोगे आप लोगों को कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिस पॉइंट्स को आप लोग रिडीम भी कर सकते हो। सो गाइस, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे आप लोगों को रिडीम कर लेना है, ठीक है। सो जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा कॉइन अर्न कर लोगे सिंपली कॉइन के ऊपर क्लिक कर दो, इधर पे गूगल प्ले का गिफ्ट कार्ड, पेपाल का गिफ्ट कार्ड और साथ में अमेजोन का गिफ्ट कार्ड भी है। सो जितना ज़्यादा कॉइन अर्न करोगे उतना ज़्यादा आप लोग बड़े बड़े अमाउंट विदड्रॉ कर सकते हो। सो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है और इन्विटेशन कोड भी डिस्क्रिप्शन पे है, यूज़ करना मत भूलना। सो गाइस, अभी मैं आप लोगों को रियो टीवी के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। गाइस, रियो टीवी में डेली के डेली आप लोगों को सिर्फ 2 स्क्रैच कार्ड मिलते हैं। एक स्क्रैच कार्ड डेली लॉगिन करने के लिए आप लोगों को मिलता है, और दूसरा मिलता है किसी भी लाइव स्ट्रीमिंग को 10 मिनट तक आप लोगों को नॉन स्टॉप देखना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को एक और स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा। ये 2 स्क्रैच कार्ड सिर्फ आप लोगों को दिन में एक एक बार ही करके मिलेगा, ठीक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनलिमिटेड टाइम्स मिलता है 10 मिनट के लाइव स्ट्रीमिंग को देखने के लिए, ऐसा नहीं है, सिर्फ डेली 2 स्क्रैच कार्ड मिलेगा, ठीक है। सो गाइस, मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले रियो टीवी का ओल्ड वर्जन का एक ग्लिच बताया था, 3.6.4 वर्जन का एक ग्लिच था जिसमें आप लोगों को बस लॉगिन करना है एंड लाइव स्ट्रीमिंग को प्ले करके आप लोगों को बैक कर देना है, एंड आप लोगों को 2 स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा। डेली लॉगिन करने के लिए एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, एंड साथ में आप लोगों को विदाउट वॉच लाइव स्ट्रीम आप लोगों को एक और स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा। यानी कि इस ट्रिक के मदद से आप लोगों को हेल्प क्या होता था, अगर आपके पास डेटा बहुत ही कम है, अगर आप लोग 10 मिनट लाइव स्ट्रीमिंग नहीं देख पाओगे लेकिन फिर भी आप लोग अगर इस ट्रिक को यूज करते थे तो आपका जो डेटा है वो सेव हो जाता था, ठीक है, और आपका टाइम भी बच जाता था। सो गाइस, मैंने आप लोगों को एक और ट्रिक बताया था कि अगर आप लोग रियो टीवी में 10-12 अकाउंट अगर आप लोग यूज करते हो, अगर हर एक अकाउंट पे अगर आप लोग 600-600 करके अगर आप लोग कॉइन अर्न कर लेते हो, सो अगर आप लोग फिर आके इस विदाउट वॉच लाइव स्ट्रीमिंग वाला अगर आप लोग ट्रिक को यूज करते हो, ग्लिच को यूज करते हो, सो आपको बस एक एक करके हर एक अकाउंट को लॉग इन करना है एंड आप लोगों को डेली के डेली 2-2 स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा, जो कि आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा एंड आपका डाटा भी सेव हो जाएगा।
सो गाइस आप में से काफी ज्यादा लोग इस ट्रिक को यूज करते हो, लेकिन गाइस दो दिन पहले से ये जो ग्लिच था ये फिक्स हो चुका है। इसीलिए आप लोगों के मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि हम लोग जो है अभी भी पुराने वर्जन को यूज कर रहे हैं लेकिन हम लोगों को स्क्रैच कार्ड नहीं मिल रहा है। सो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, पुराने जितने भी वर्जन है उन सारे वर्जन में ये जो ट्रिक है काम नहीं करती, और साथ में ये जो लाइव स्ट्रीमिंग वाला जो ग्लिच था इसे भी फिक्स कर दिया गया है। अगर आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग को प्ले करोगे, आप लोगों के सामने लाइव स्ट्रीमिंग तो चल जाएगा लेकिन वो जो टाइमर चलता था 10 मिनट का टिक टॉक करके, वो अब नहीं चलेगा। मतलब रियो से भी टिकटॉक का खत्म हो गया। अरे मजाक कर रहा था। सो गाइज पुराने वर्जन में वो टाइमर अभी शो नहीं करेगा, आप लोगों को हर पुराने वर्जन में सिर्फ यही दिखाएगा योर रिवार्ड अनलॉक्ड, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर पे जानी है, रियो टीवी सर्च करनी है एंड उसके बाद आप लोगों को अपडेट कर देना है। जैसे ही आप लोग अपडेट कर लोगे तभी से आप लोग फिर से हो सकता है उसी टाइम या फिर अगले दिन से आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि मेरा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अपडेट करने के बाद एक दिन तो आपका बेकार जाएगा, अगले दिन से आप लोग फिर से स्क्रैच कार्ड ले सकते हो।